नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। कांग्रेस और भाजपा पार्टी ने यदि धनकर समाज के प्रत्याशियों को टिकट नहीं दी तो वह भोपाल में तीसरा विकल्प का निर्णय लेंगे। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति द्वारा आज इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने समाज के लोगों के लिए आगामी चुनाव के लिए टिकट की मांग की, जिसमें चार नंबर विधानसभा के लिए दो नामों का सुधीर देडंगे और राजेंद्र चौधरी के लिए विशेष जोर दिया जा रहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 लाख की आबादी में धनगर समाज निवास कर रहा। लगभग 60 लाख की जनसंख्या में मतदाता के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाला धनगर समाज आज भी अपने अधिकारों के लिए दर दर भटक रहा। पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का लाभ दिया जाना था, ताकि धनगर समाज भी इस प्रदेश में विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित हो। धनगर समाज द्वारा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में अपने प्रत्याशियों की मांग की, जिसमें विस्तृत जानकारी देते हुए पदाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 7 बार घोषणा तो की गई, लेकिन आदेश अभी तक नहीं आए। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि मेरा पुरानी भी जो है प्रेस वार्ता में कहा था कि ये धनगर समाज है, और ये धनगर समाज जब जिसका साथ देता है तो वो राजा बना देता है, और अगर ये साथ नहीं देता है तो राजा को भी रंग बना देता है। इससे ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहना चाहूंगा। आपका बच्चा। मैं शिवम चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता, विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ मध्य प्रदेश। कॉन्फ्रेंस की आने वाले समय में जो भी चुनाव आएंगे उसमें आपके धनगर समाज क्या। साथियों नमस्कार। देखिए, मैं एक समाज सेवी हूँ और मेरा समाज पूरे मध्य प्रदेश में निवास करता है। जैसा मुझे अवगत हुआ कि आज यहाँ पर हमारे समाज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं भी समाज के प्रति समर्पित होकर यहाँ पर आया। देखिए, हमारे बहुत कई सालों से हमारे समाज को कहीं ना कहीं राजनीति में हस्तक्षेप नहीं है, इसी को लेकर हमारी मांग थी। और हम कट्टरता से आपको बोलना चाहते हैं, यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो मैं तो एक समाज का नागरिक हूँ, घर घर जाके बोलूँगा कि मेरे समाज का यदि प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो हम आगे जाके दोनों पार्टी का बहिष्कार भी कर सकते हैं। ये पार्टियों को देखना पड़ेगा और अभी समय है, इस पर निर्णय ले सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा 1 तारीख को भोपाल के अंदर भी पूरा 10,000 लोगों का एक सामाजिक बैठक भी होने वाली है, जिसके अंदर भी हम कुछ निर्णय लेंगे। तो ये आपके मार्ग